दोस्तों आज बहुत इंतजार करने के बाद फाइनली फिल्म जवान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ओए चमन चिरकुट तू फिर आ गया, तुझसे रहा नहीं जाता ना, और तेरी बकबक सुन के मेरा भी सबर टूट जाता है और एक वीडियो फिर से दे मारता हूँ। बहुत बड़ा सीन शुरू होता है। मजा आ गया ना। ये साला फटे हुए भोंगे जैसी आवाज वाला इंसान, एक कैमरे वाला मोबाइल इसको मिल गया, सामने लगा लिया, बस पक 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 शुरू। और ये जो दूसरा शाहरुख खान है ये उन्हीं दोनों का बेटा है। अबे फटे हुए दूध की शक्ल के, जब स्टोरी पता नहीं है तो स्टोरी पे जुलाब क्यों कर रहा है? साले बाप को बेटा बना रहा है, बेटे को बाप बना रहा है। कुछ भी। इस साल की अगर सबसे खूबसूरत कहानी किसी की है तो वो जवान की है। स्टोरी कुछ ऐसी है। नॉर्थ ईस्ट का एक गांव जहां के लोग खुद को इंडियंस नहीं मानते और रेबिलियन ग्रुप का साथ देते हैं, तो एसआरके उन गांव वालों के बीच जाता है ताकि उन गांव वालों में देशभक्ति जगा सके और उन रेबिलियन ग्रुप को खत्म कर सके। एसआरके और दीपिका दोनों एक अंडरकवर एजेंट होते हैं और दीपिका एसआरके की बीवी रहती है और दोनों ही एक मिशन पर होते हैं। और फिर रेबेलियन ग्रुप के लीडर को यह पता चल जाता है कि इस गांव में कोई रॉ एजेंट है, तो वो उसे मारने के लिए अपने लोगों को भेजता है। तो रेबेलियंस आते हैं और वहां भयंकर शूटआउट होता है और एसआरके को गोली लग जाती है, तो रेबेलियंस उसे पानी में फेंक देते हैं ये समझ कर कि वो मर गया है। और दीपिका जो प्रेग्नेंट रहती है उसे बंदी बना लेते हैं और एक सेल में डाल देते हैं। फिर कुछ महीनों बाद दीपिका को बच्चा पैदा होता है और दीपिका एक सिपाही से मदद मांगती है अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए। और ये सब होते हुए कोई दीपिका को देख लेता है और उसे शूट कर देता है। फिर दीपिका मरते वक्त अपने बेटे से वादा लेती है कि तू बड़ा होकर अपने बाप की तरह देश की सेवा करना और इन विधवाओं की और बच्चों की मदद करना इन्हें बाहर निकालने में। और फिर वो बच्चा बड़ा होकर आईपीएस ऑफिसर बनता है और वहां एसआरके को, जिसे रेबेलियंस मरा हुआ समझकर फेंक देते हैं, वो ठीक होकर गांव वापस जाता है उनसे बदला लेने के लिए और कुछ गांव वालों को बचा लेता है। और फिर एसआरके अपने घर जाता है जो पूरी तरह से जला हुआ होता है और फिर उसे वहां जेल के बारे में पता चलता है जहां उसके बीवी बच्चों को रखा गया है। तो एसआरके उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ही लड़कियों को बचा पाता है क्योंकि विजय सेतुपति बीच में अर्चन बन जाता है जो कि बहुत बड़ा आर्म्स डीलर रहता है। एसआरके एक रॉ एजेंट था, इसकी इन्फॉर्मेशन भी विजय सेतुपति ही लीक करता है और फिर एसआरके ठान लेता है बदला लेने के लिए। एसआरके उन लड़कियों को वेल ट्रेन करता है और उनके साथ एक रिवेंज जर्नी स्टार्ट करता है देश के ऐसे करप्ट लोगों के खिलाफ जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। और इधर दीपिका का बेटा आईपीएस ऑफिसर बन चुका है और उन सभी महिलाओं को जेल से छुड़ाकर अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा करता है। और उधर फादर एसआरके अपना लुक बदल बदल कर करप्ट लोगों को मारता है और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है क्योंकि वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में मर चुका है। और नयनतारा जो आईपीएस ऑफिसर एसआरके की बीवी होती है वो उन केसेस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनती है और नयनतारा क्रैक कर लेती है कि अगला मर्डर किसका होने वाला है। वो और कोई नहीं विजय सेतुपति होता है जो दुनिया की नजर में एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। और दूसरी तरफ फादर एसआरके एक बहुत बड़ी चोरी प्लान करता है विजय सेतुपति को बर्बाद करने के लिए। और इस ऑपरेशन में बेटा एसआरके बाप एसआरके को पकड़ लेता है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि बैंडेड से चेहरा कवर रहता है, मगर फादर एसआरके पहचान लेता है और अपने बेटे को वर्दी में देखकर खुश होता है क्योंकि उसका बेटा भी उसी की तरह जवान है, देश की रक्षा कर रहा है। और फिर फादर एसआरके की वेल ट्रेन लड़कियां नयनतारा और बेटा एसआरके को वैन में लॉक करके फादर एसआरके को छुड़ाकर ले जाती हैं। फिर फादर एसआरके हंसता है क्योंकि ये पुलिस से पकड़ा जाना उसके ही प्लान का एक हिस्सा होता है ताकि उसकी वेल ट्रेन लड़कियां उस चोरी को अंजाम दे सकें। और फिर फादर एसआरके विजय सेतुपति को मारने का एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है और मेट्रो ट्रेन को हाईजैक करता है और अपने प्लान के मुताबिक अपने बेटे को फंसाने के लिए अपना फेस रिवील करता है और फिर थोड़ा सा कियोस्क क्रिएट करने के लिए अपने ही जैसा मास्क लोगों को पहनाकर उन्हें ट्रेन से बाहर निकालता है। और फिर पब्लिक बाहर आती है, पुलिस और जर्नलिस्ट को ये बताती है कि हाईजेकर आईपीएस ऑफिसर एसआरके था और फादर एसआरके की टीम बेटा एसआरके को किडनैप कर लेती है और फिर बाप बेटे आमने सामने होते हैं और उनके बीच अच्छाई और बुराई की बातचीत होती है और इस बातचीत में बेटा एसआरके विजय सेतुपति को लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सजा देना चाहता है और फादर एसआरके उसे खुद से सजा देना चाहता है और अपनी ही बॉडी में बम लगाकर विजय सेतुपति के साथ उसे ब्लास्ट कर देता है। ये स्टोरी हम एक अंदाजे से बता रहे हैं टीजर और ट्रेलर देख के,
तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये स्टोरी 100% एक्यूरेट ही हो। 300 करोड़ की लागत से बनी हुई ये फिल्म हमारे अंदाज से 1,000 से 1,500 करोड़ तक का बिजनेस करेगी। मजा आ गया ना। लेकिन भाई साहब, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो दबा दो, घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा।